की इच्छा थी, लेकिन आप लोग जान रहे कि प्रशासन द्वारा हम लोगों को अनुमति नहीं थी मिलने की, लेकिन फिर भी हम लोग जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय मिलना चाहिए। घर में एक जवान बेटा इन्होंने खोया है, तो इंसाफ जो है मिलना चाहिए। अब तो प्रशासन से, यहाँ के एसपी से, और हम तो डीजीपी से भी पटना में बात करेंगे कि इन पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले, और जो भी अपराधी हैं, जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं से इसमें ढिलाई जो है हुई है, और शंका तो लग रहा है कि भाई प्रशासन जो है दबाव में काम कर रही है। लेकिन प्रशासन से यही अपील है कि किसी के दबाव में ना आए, जो सच्ची बात है लोगों को न्याय दिला और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोगों को मेंटेन करने के हिसाब से काम करना चाहिए। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, हर जगह आप देखेंगे ना, हर जगह कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्याएं नहीं हो रही, पूल गिर गया, दो पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप बताइए, लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, लगातार जो है पूल गिर जा रहा है, लगातार रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इस पे प्रशासन के लोग चुप हैं। सब जनता सब समय पे लोगों को जवाब देगी, और हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। हम लोग थोड़ी चुप बैठने वाले हैं। समय आने दीजिए। हर जगह हम जाकर के मिले हैं पीड़ित परिवारों से, हमारी एसपी साहब से भी बात हुई, और हम चाहते हैं कि नए लोगों को न्याय मिले, जो कानून जो है अपना काम करे, लेकिन निष्ठापूर्वक जो है जाँच होनी चाहिए, और जो अपराधी छवि के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि माहौल देखिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो माहौल बिगड़ता चला जाएगा। तो हम लोग तो चाहते हैं, कानून पर विश्वास है, और प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे कि भाई दबाव में काम नहीं करना होता, सत्ता आती जाती रहती चीज है। हम लोग भी आए और गए, कब आ जाएंगे, कब चले जाएंगे, किसी को ठीक है जो आज के हिसाब से जो परिस्थिति बनी हुई है। क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। इसके लिए हम डीजीपी से भी जाकर के बात करेंगे, ताकि सब लोगों का जो हो ईमानदारी से जांच हो, और जो दोषी है जल्द से जल्द पकड़े जाए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।